हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो आज की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि तो मैं ऐसे ही कैजुअल ब्राउजिंग कर रहा था अमेज़ॉन पे, तो मुझे एक प्रोडक्ट दिखा एंड वो प्रोडक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखा मुझे। तो ये एक पार्सल डिलीवर हुआ अमेज़ॉन से, जो कि मेरे डोर स्टेप पर डिलीवर हुआ और ये आया है पोस्ट से। तो जी हाँ, अमेज़ॉन वाले पोस्ट को भी यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के लिए, तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था थोड़ा। तो कोई डिलीवरी वाले नहीं थे अमेज़ॉन के, खासकर अमेज़ॉन के डिलीवरी वाले होते हैं, पर ये प्रोडक्ट मुझे इंडियन पोस्ट से डिलीवर हुआ है और मेरे डोर स्टेप पर डिलीवर हुआ है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है कुछ नहीं, ये पूरा बिल है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, ये किसी भी कोलैबोरेशन से नहीं बन रहा है, पर्सनल यूज़, पर्सनली मैंने इस फ़ोन को बाय किया है। तो ये सब साइड में है और ये है एक फीचर फ़ोन, जो आजकल एक एक्सटिंक्शन बोल सकते हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं फीचर्स फ़ोन, बट काफ़ी लोग अभी भी फीचर फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। एंड आपको पता ही उसका रीज़न क्या है, फीचर फ़ोन्स में बहुत सारी चीज़ें जैसे आपका इंटरनेट और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो सिक्योर होता है, एंड कोई सोशल मीडिया होता नहीं है तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक कंपनी है स्नैक्सियन रॉक। तो ये है स्नैक्सियन रॉक, ये इस कंपनी का फ़ोन है और इसका कुछ डिज़ाइन मुझे यूनिक लगा, इसके लिए मैंने इसे परचेस किया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके कंटेंट देखते हैं। तो ये है उस फ़ोन का बॉक्स और यहाँ पे आप उसका डिज़ाइन देख सकते हैं, एक आईफोन का कटआउट जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स लिखे हैं, जैसे 1800 mAh की बैटरी, विक टॉर्च, 2.4 इंच का डिस्प्ले है, किंग वॉइस एंड 90° स्लाइड। तो ये स्लाइडिंग फ़ोन है यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे इसके कुछ प्राइजेस मैंशन किए हैं और इसका प्राइस मैं आपको बताऊँ तो ये मुझे पड़ा है कुछ 2500 का, तो इसकी प्राइस है। तो ये यहाँ से स्लाइड हो जाता है। अब ये है बॉक्स का ऊपर का हिस्सा एंड ये रखते हैं साइड में। ये यहाँ पे पहले तो फ़ोन दिख रहा है जो कि काफ़ी छोटा सा है, काफ़ी क्यूट सा फ़ोन दिख रहा है मुझे। ये आप देख सकते हैं इसके डिज़ाइन, यहाँ पे इसका कैमरा, फिर यहाँ पे इसकी लाइटिंग, फिर ये इसका स्लाइडिंग। सो काफ़ी दिखने में जो है यूनिक डिज़ाइन है। तो इसका कलर जो है वो गोल्ड में है एंड मे बी ये कलर थोड़े टाइम के बाद वैनिश भी हो जाएगा। यहाँ पे लेनियार्ड के लिए फिजिकल ओवरव्यू में इस साइड है, आपको लेनियार्ड के लिए जगह दिया है। चार्जिंग है जो माइक्रो यूएसबी है, यहाँ पे एक माइक है, पीछे आपका कैमरा कटआउट है, यहाँ पे भी एक इंडिकेशंस के लिए लाइट दी गई है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर है और ये जो है ये ऐसे स्लाइड होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी दिखने में कूल लग रहा है एंड कोई भी ये फ़ोन देखेगा तो, और इसका वेट भी काफ़ी हल्का है, मुझे लगता है 50-60 ग्राम कुछ वज़न होगा, बट दिखने में तो ये फ़ोन काफ़ी हल्का है। बाकी इसे ऑन करते हैं और देखते हैं इसका पावर बटन, यहाँ पे आपको सिम के लिए जगह दी गई है और इस तरफ कुछ नहीं है। और इसके बटन्स की मैं बात करूँ तो ये है पूरा फ़ोन जो आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लगा मुझे, जैसे स्लाइडिंग फ़ोन होता है तो ये भी स्लाइडिंग है लेकिन अलग तरीके से स्लाइड हो रहा है एक ही साइड से, और इसका स्लाइडिंग मैकेनिज़म भी अच्छे से काम कर रहा है और इसके बटन्स मुझे फील भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टिकर सा चिपकाया है और कुछ समय के बाद शायद ये निकल जाए, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी के पे भी क्वेश्चंस है। तो चलिए बाकी के बॉक्स कंटेंट देखते हैं हम। तो यहाँ पे इसको निकालते हैं तो यहाँ पे आपको लेनियार्ड, जैसा मैंने बताया ये है वो लेनियार्ड जिसे आप लगा सकते हैं, ये है उसका सिम इजेक्टर और ये है चार्जर। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं बॉक्स के अंदर। तो ये है चार्जर, माइक्रो यूएसबी चार्जर और ये कुछ 10 वॉट का चार्जर है, तो इनफ है इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए।
तो ये हो गए इसके बॉक्स के कंटेंट जो आप देख सकते हैं, लैनियर्ड, चार्जर और फ़ोन। तो जैसा कि हमने देखा इसमें चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने इसे थोड़ा चार्ज किया और ये चार्ज भी हुआ। तो ये एक्चुअली इन्होंने आईफोन का कॉपी किया है, आप पीछे कटआउट देख सकते हैं कैमरा के, हालांकि एक सिंगल कैमरा है। यहाँ पे एलईडी नोटिफिकेशंस है और यहाँ पे जो बटन है वो कॉल को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए है। तो अब हम इसे ऑन करेंगे। तो इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये बेसिक फ़ोन है, जैसा मैंने बताया ये बेसिक फ़ोन है। तो यहाँ पे आपको सारे बेसिक फीचर्स जो एक फ़ोन में चाहिए वो मिल जाएंगे, कॉलिंग के। यहाँ पे FM है, टॉर्च है। तो जो टॉर्च है वो ओके करने पर जल जाती है, जैसा आप देख सकते हैं इसकी इंटेंसिटी टॉर्च की। और इसमें ड्यूल सिम जाता है और ये 4G फ़ोन है। तो ये एक बेसिक फ़ोन है, यहाँ पे आपको दो सिम के स्लॉट्स मिल जाएंगे। और इसका जो सिम स्लॉट है इसके अंदर मैंने चेक किया है, इसमें मेमोरी कार्ड भी आप डाल सकते हैं, यानी कि ये मेमोरी कार्ड डाल के एक्सपांड भी कर सकते हैं। और ऑडियो प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, उसके साथ साथ ये जो इस तरीके से ओपन होता है, तो यहाँ पर आपको अंदर की तरफ भी लाइटें मिल जाएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइटें जल जा रही हैं। तो इसमें जो जो फीचर्स आपको बेसिक फ़ोन में चाहिए, वीडियो प्लेयर, कॉन्टैक्ट, कैमरा जो है वो बहुत ही बेसिक है, उसकी क्लैरिटी इतनी कुछ खास नहीं है, जैसा कि देख सकते हैं आप बहुत ही बेसिक कैमरा है वो, तो बस नाम के लिए है। फिर कैलकुलेटर है, सेटिंग्स है, बाकी सारी चीज़ें जैसे होती है, मैसेज है, वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ब्लूटूथ भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इस बेसिक फ़ोन के अंदर। हालांकि मेरे ओपिनियन में ये सिर्फ लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मुझे लगता नहीं कि इतना चलेगा। बस आप देख सकते हैं कि इसका स्टाइली लुक होने के वजह से ये काफ़ी लोग को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे भी बहुत लोग बेसिक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बेसिक फीचर्स वाले फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये बहुत ही बेसिक फ़ोन है, ड्यूल सिम 4G कनेक्टिविटी के साथ। तो इसमें फीचर्स भी बहुत बेसिक है, स्टाइलिश है। बस इसका जो कलर है, और ये प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है एंड इसका कलर उड़ सकता है, तो ये ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं कलर एक तरह से। बस ये स्लाइडिंग फ़ोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके कीपैड के जो फीचर्स है, जो कीपैड ऊपर लगा है, एक स्टिकर जैसा लग रहा है मेरे को, बाकी सब तो ठीक ठाक लगा मुझे। और इसमें आपको दो सिम कार्ड के साथ मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, यानी कि इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो जिनको ये बेसिक फ़ोन की ज़रूरत है, जो एक्स्ट्रा फ़ोन कैरी करना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। और अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल भी है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे 7 दिन के अंदर रिटर्न या रिप्लेस भी कर सकते हैं, प्लस ब्रांड की 1 ईयर की वारंटी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। और ये वीडियो अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।